नमस्ते। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है। लोग धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। क्या है इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं। बिहार में सारण से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव अमनौर में करीब 50 एम्बुलेंस उनके कार्यालय पर खड़ी पाई गई थी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अमनौर पहुंचकर इन एम्बुलेंस की वीडियो बनवाई और उसे जनता में जारी किया। ये एम्बुलेंस उस दौर में खड़ी थी जब एम्बुलेंस के अभाव में आज लोगों की मौत हो रही है। रूढ़ी के गांव पहुंचकर पप्पू यादव ने एम्बुलेंस का वीडियो बनवाया था। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा, सांसद जी को टैग किया कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आपके अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुई है। सांसद विकास निधि से इनको खरीदा गया है। एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहाँ छिपा कर रखी गई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सारण डीएम सिविल सर्जन बताएं, बीजेपी भी इसका जवाब दे। चूंकि मौजूदा सांसद जी और सरकार से सवाल किया गया था तो इस पर जवाब भी आना तय था। इस बीच राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी सफाई में कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर की कमी के चलते खड़ी हुई है। उन्होंने पप्पू यादव को एम्बुलेंस ले जाकर ड्राइवर उपलब्ध कराने के लिए कहा था। इस पर पप्पू यादव भी कहाँ चूकने वाले थे, उन्होंने सांसद जी की इस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अब पप्पू यादव ने 40 ड्राइवरों को पेश किया है जो एम्बुलेंस में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इन सब एम्बुलेंस चालकों का नाम लिखकर सरकार को भेजा जाए ताकि उन्हें नियमित नौकरी दी जाए। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा, लीजिए रूढ़ी जी, ड्राइवर सेना तैयार है, एम्बुलेंस कब और कहाँ सौंपने वाले हैं आप बताएं। बिहार सरकार इन सभी चालक बंधुओं को नियमित नौकरी दे या हर परिस्थिति में एम्बुलेंस चलाएंगे, कोविड मरीजों को मुफ्त में सेवा देंगे। हम सेवा की राजनीति करते हैं, जनहित में ऐसी राजनीति सब करें, स्वागत है। पप्पू यादव के इस जवाब पर सांसद जी फंस गए। सांसद जी उल्टा पप्पू यादव को घेर लिए। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी सफाई में कहा कि पप्पू यादव राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव नहीं जानते हैं कि सारण में 80 एम्बुलेंस में से 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं, जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि ड्राइवर के अभाव में कई एम्बुलेंस सुरक्षित खड़े हैं। पप्पू यादव, आप भी सभी एम्बुलेंस ले जाइए, इन्हें ड्राइवर उपलब्ध कराइए। आप राजनीति मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित होने वाली नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी की इस चुनौती के बाद अब पप्पू यादव ने ड्राइवरों को पेश किया है। आगे क्या कुछ अपडेट होता है हम आपको बताते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आयुष तिवारी हूँ, आप वॉक्स ट्रक्स हिंदी को देख रहे हैं। धन्यवाद।